गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्यूटी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्यूटी ब्लॉग 637। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्किन वाइटनिंग क्रीम मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका फेस जो है डल हो चुका है, आपके फेस बहुत ही ज़्यादा डार्क है, देखिए कलर कोई भी जो है स्किन कोई भी ख़राब नहीं होता है, अपने अपने जगह पर सब अच्छा होता है, बट उसका केयर करना भी ज़रूरी होता है। समय के साथ क्या होता है कि आपका स्किन चाहे डार्क हो चाहे फेयर हो, वो डल पड़ जाता है, उस पर बहुत सारे झुर्रियाँ झाइयाँ पिगमेंटेशन फाइन लाइन्स रिंकल्स आ जाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट फेस क्रीम लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि घर में जो यूज करने वाले हैं डेली यूज में फेयर लवली क्रीम होता है उसको ले लेना है, और सेकंड में आपको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल आपको डालना है। 5 से 6 ड्रॉप ही इसमें लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें मात्रा के ही हिसाब से लिया जाता है। और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, नारियल का तेल और कोलगेट जो वाइट टूथपेस्ट आता है उसको यूज करना है, अदर किसी कोलगेट को नहीं यूज करना है। और बहुत ही अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है। ये गाइस सच में बहुत ही अच्छा रेमेडी है, आपके स्किन को फेयर करने में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। अगर आपको फेस पे अप्लाई करना है, अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप इसमें कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, जो भी शैम्पू आपके घर में उपलब्ध हो उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सिर्फ फेयर लवली के साथ जो है इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस रेमेडी को जो मैं बना रही हूँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हाथ पे पैर पे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे स्किप कीजिएगा, फेस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के फेस पे हर कुछ नहीं जो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं वर्क करता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फेस पे अप्लाई नहीं कर रही, हैंड पे दिखा रही हूँ, बट मेरी स्किन नॉर्मल है, मैं इसे फेस पे भी अप्लाई करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से अपने पूरे फिंगर से क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे अपने हैंड पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इसको। इसी तरह से कुछ आपको करना है, यहाँ मैं नहीं अप्लाई करूँ क्योंकि यहाँ मैंने टैटू बनवाया है, तो अभी मुझे 1 सप्ताह तक यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई करना है, तो इस वजह से आप लोग को दिखा दी हूँ। तो मैं यहाँ पर जो फेस जो मेरा यहाँ पर हैंड जो है खाली है वहाँ पे मैं अप्लाई करके आप लोग को दिखा रही हूँ, और नहीं तो मैं फुल हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ, राइट हैंड से यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छे से आपको अप्लाई करना है, क्रीम के जैसे, क्रीम तो है ही फेयर लवली क्रीम है, तो क्रीम के जैसे ही आपके स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं दोनों हाथों में अप्लाई कर ले रही थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना सॉफ्ट बटरी लगा कि मैं दोनों ही हाथ पे अपने अच्छे से इसे अप्लाई कर ली। आपको इसको लगा के कम 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पे या हाथ पे या पैर पे, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो। ये क्या है कि आपके डार्क स्किन को भी लाइट करता है, कोलगेट जो है स्किन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कोलगेट में जो है आपको ब्लीच प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि आपके स्किन को भी ब्लीच करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही थी और मसाज भी साथ ही साथ करते जा रही थी, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि स्किन अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है, क्योंकि मैं 10 मिनट तक इसे मसाज दी थी बहुत अच्छे से। और यहाँ पर देखिए अब मैं इसको वॉश करके आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ थोड़ा सा पानी, नॉर्मल वाटर लेना है जो कि आपके नल में आता है, टंकी का पानी जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए मैं नॉर्मल वाटर ली हूँ और इससे अपने हैंड को कर रही हूँ क्लीन। गाइस सच में ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी स्किन डार्क है, डल है या वाइट भी है, फेयर भी है, तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कीजिएगा, स्किन को ये लाइट भी करेगा और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शाइन भी लाएगा आपके स्किन पर। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग के साथ ही इसको वॉश करके दिखा रही हूँ, तो मेरे हैंड में आप लोगों को फ़र्क खुद ही दिख रहा होगा कि हाँ कितना ज़्यादा फ़र्क आया है मेरे हैंड में। बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फेयर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बटरी। तो ये वीडियो आज का आप लोगों को कैसा लगा, इस तरह से आप लोग भी अप्लाई करके और प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको पोंछ लेना है, और फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पर साहिबे का ग्लिसरीन। आपके पास जो भी ब्रांड का हो तो ग्लिसरीन लेना है, ग्लिसरीन नहीं है तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। लेकिन अच्छे से यहाँ पर देखिए फिंगर के हाथ से इसको मैं मसाज करते हुए अपने हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ, तो इसी तरह से कर लेना गाइस। सच में ये आपके फेस को या हाथ को या पैर को बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट कर देगा। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने अपने हाथ पे पैर पे फेस पे अप्लाई करने के बाद ही मैं आप लोग के साथ इसे शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस